माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें हमारी सारी तैयारियां हो गई हैं। जो हमारे सेंटर्स हैं तो वहां पर 93 जो हैं वो तो प्राइवेट सेंटर्स हैं 93, और 81 जो सेंटर्स हैं वो राजकीय सेंटर्स हैं। यहां पर 10वीं क्लास की और 12वीं क्लास के अलग अलग स्ट्रेंथ हैं। 10वीं क्लास में हमारी स्ट्रेंथ है 46,588 और 12वीं क्लास की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 41,389 ये हमारी स्ट्रेंथ आ रही है। इसी तरह से अगर हम वीक्षकों की बात करें तो लगभग 1942 के करीब जो वीक्षक 1942 ये तो हमारे काम आएंगे 10वीं की परीक्षा के लिए, और 12वीं की परीक्षा के लिए हमारे 1725 यानी 1725 वीक्षक काम आएंगे। तो वो उनकी व्यवस्था हम हमारी चल रही है। चूंकि अब की बार एक नयापन आया है, पहले हम परीक्षा केंद्रों पर चूंकि जिला एक था अब जिले चार हो गए उसी आबादी के, अब केवल जयपुर शहर की परीक्षा हमको करवानी है जहां पर केवल मात्र चार ब्लॉक है, जिसको अपन कह सकते हैं झोटवाड़ा सिटी, सांगानेर सिटी, जयपुर ईस्ट ब्लॉक और जयपुर वेस्ट ब्लॉक। तो कुल मिला के यहाँ पर हमारे ये जो सेंटर्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि 174 सेंटर हमने निर्धारित किए हैं, यहाँ पूरी परीक्षाओं का उनको बता दिया गया है। बहुत जल्दी ही हम CS और ACS और पेपर कोऑर्डिनेट्स की मीटिंग लेने जा रहे हैं, उनको बोर्ड के जो निर्देश हैं वो सारे बता दिए जाएंगे, ये निर्देश हैं और उस निर्देश के तहत वो काम करेंगे। बात आती है कि फोटोग्राफी की जो करवानी पड़ती है हमको, तो उसमें जब हमारे पास पेपर आएंगे और पेपर उसको हम रखवाएंगे, तो पेपर रखवाते समय यानी जब उसका ट्रक खुलता है और उसको उतारा जाता है तो हम पूरी वीडियोग्राफी करवाते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई पेपर हमारे खुले आ गए हो लिफाफे, या ऐसा तो नहीं कि जो पैक नहीं है या कुछ, तो सारा वो वीडियो में कैद होता है और वो हम सुरक्षित सेंटर वाइज उसको हम रखवा देते हैं जिस दिन बोर्ड से पेपर आते हैं उसी दिन। इसमें हम पुलिस प्रशासन की मदद भी लेते हैं, जिला प्रशासन की मदद भी लेते हैं। जिला कलेक्टर महोदय हमारे जो परीक्षा संचालन समिति है जिसको हम बोर्ड परीक्षा संचालन समिति उसके वो अध्यक्ष होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं और अच्छा सा एक काम किया जाता है उनके साथ में। आज हमारी मीटिंग हो चुकी है जिला कलेक्टर महोदय के साथ में, उनका बड़ा अच्छा सा वो था और उन्होंने प्रशंसा भी की थी कि जयपुर में अपना परीक्षा का काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप इस तरह से अच्छी सी परीक्षा वापस करवाइए। तो उस वो परीक्षा हम बिल्कुल उसमें मुस्तैद हो गए हैं, हमने सेंटर सुपरिंटेंडेंट लगा दी हैं, हमने उसको ACS यानी अतिरिक्त सेंटर सुपरिंटेंडेंट लगा दिए हैं और पेपर कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए हैं जो थानों पर काम करेंगे। एक फ्लाइंग चलती है DO की फ्लाइंग के साथ में, और DO की फ्लाइंग के साथ में जब एक फ्लाइंग चलती है उसमें एक पूर्णकालिक वीडियोग्राफर चलता है, तो जिस भी सेंटर्स पर वो निरीक्षण करने जाते हैं, सेंटर का चेकिंग करने जाते हैं, वहाँ पर उनके एंट्री से लेके और परीक्षा कक्ष तक जाके उनकी एंट्री होती है, उनको उनकी वीडियोग्राफी की जाती है। और अगर किसी सेंटर पर हम पेपर खोलने से पहले पहुंच जाते हैं तो पेपर किस तरह से खोले जा रहे हैं, कौन कौन उसमें सिग्नेचर कर रहे हैं, किस तरह से कितने समय पहले कर रहे हैं, किस तरह से उनको अलमारी में पैक कर दिया जाएगा, जितना वितरण है वितरण कर दिया जाएगा, शेष बचे उनको सील करके लोग अलमारी में रख दिया जाएगा, तो वो सारा का सारा जो परीक्षा का आशय निर्धारित है हमारे निर्देशानुसार हम सारा काम करते हैं। मैं समझता हूँ वीक्षकों की भी बात है, वीक्षक हम बहुत जल्दी लगा रहे हैं और अगर हम टोटल वीक्षकों की बात करें तो हमारे उपलब्ध हो जाएंगे। हाँ, इस साल जो नई चीज आई है वो है कि जयपुर शहर जिले से बाहर का कोई भी वीक्षक या CS या ACS या पेपर कोऑर्डिनेटर नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि इस चीज की अनुमति हमको जिले से बाहर से लगाने की नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सारी व्यवस्थाएं हम कर लेंगे तो बहुत अच्छी सी परीक्षा हमेशा की तरह पिछली बार की तरह भी आपने देखा बहुत अच्छा सा हमने परफॉर्म किया था और परीक्षाएं हमारे सभी जो साथी प्रिंसिपल्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सा काम किया था और परीक्षाएं बहुत दुरुस्त तरीके से हो गई थी। इसी तरह से सारी परीक्षाएं इस वर्ष भी अच्छी हो जाएंगी, ये हम पूरा उम्मीद ही क्या विश्वास भी करते हैं। कंट्रोल रूम कब से स्टार्ट होगा? कंट्रोल रूम हम 27 तारीख से स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, जैसे ही पेपर हमारे आ जाएंगे उसके बाद यहाँ से कंट्रोल रूम को किसी की कोई क्वायरीज है तो कंट्रोल रूम पर आप संपर्क करके अपनी क्वायरीज को दूर। पेपर लीक का बहुत सारा घटनाएं पहले हो चुका पिछली सरकार में और इस सरकार में भी, एक हाल ही में NCCC ग्रेड का पेपर लीक हुआ, क्या हम कोई ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक ना हो? देखिए, बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक कभी भी नहीं हुआ, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का एक है, क्योंकि जो गिरोह चलते हैं ना वो इन परीक्षाओं के लिए नहीं चलते, ये रूटीन एग्जाम्स होती हैं।
कक्षा 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इसमें कोई व्यावसायिक ऐसी परीक्षा नहीं होती जिसके लिए इतना तामझाम जो चीटर्स हैं वो करें। लेकिन फिर भी अगर हमारे यहाँ चीटर्स अगर कोई है तो हम तत्काल प्रभाव से हमारे नियम हैं, बोर्ड के नियम हैं, उन बोर्ड के नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उन नियमों के तहत उनको हम साल और दो साल के लिए हम परीक्षा से वंचित भी कर देते हैं।